हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम समृद्धि एक्सप्रेसवे के पैकेज नंबर 2 में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंटरचेंज नंबर 4 जो समृद्धि एक्सप्रेसवे के पैकेज नंबर 2 में आता है। तो देख सकते हैं आप सामने कि आप पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इसको नेशनल हाईवे 647 जो कनेक्टर है नेशनल हाईवे 361 का, तो उसको भी यहाँ पर कनेक्ट उसके लिए यहाँ पर समृद्धि एक्सप्रेसवे के पैकेज नंबर 2 में इंटरचेंज को प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर एपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पैकेज नंबर 2 में, तो कंपनी ने डेडलाइन पे ही इस एक्सप्रेसवे को बनकर पूरी तरह से तैयार कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरचेंज की शुरुआत होती है, वहाँ पर आपको एक साइनेज बोर्ड लगा कर दिखाऊंगा जहाँ पर इंटरचेंज नंबर 4। हाँ, तो इसमें आईसी का मतलब होता है इंटरचेंज, और ये 4th नंबर का इंटरचेंज है। और 57 यानी जहाँ से इस एक्सप्रेस समृद्धि एक्सप्रेसवे की स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर यहाँ तक का इस लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो 57 किलोमीटर है। यानी देख सकते कि कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा था कि इंटरचेंज कितनी डिस्टेंस पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 57 किलोमीटर है जहाँ से समृद्धि एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। तो वहाँ से लेकर ये फोर्थ नंबर का इंटरचेंज है। इसके पहले हमने पैकेज 1 में पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो 3rd नंबर का इंटरचेंज था। 3rd नंबर का इंटरचेंज 27 नंबर चाइनीज पे है, यानी 27 पर, और ये 57 यानी दो इंटरचेंज के बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन नागपुर से जहाँ से समृद्धि एक्सप्रेस की शुरुआत होती है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वहाँ पर एक एडिशनल इंटरचेंज प्रोवाइड किया गया होगा, इसीलिए ये टोटल 60 किलोमीटर में 4 इंटरचेंज है। और इंटरचेंज की यहाँ से शुरुआत होती है, जो व्हीकल नागपुर से आ रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्रेसवे के लेफ्ट हैंड साइड पर जो रैंप रोड है वहाँ उसकी शुरुआत होती है एसी पॉइंट से। पता नहीं आगे, ये इंटरचेंज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है, अभी रेडी है ओपनिंग के लिए, लेकिन बाकी पैकेज में जो काम बचा हुआ है उसके वजह से अभी डेडलाइन को और 2-3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। लेकिन उम्मीद है कि ये जून तक अप्रैल में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा काम बचा है। एटलीस्ट 2 मंथ तो उनको लगेंगे वर्क को पूरा करने के लिए पैकेज नंबर 1 में। देखते हैं इस इंटरचेंज में पूरी तरह से वर्क इसका 100% कंप्लीट है। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या बना हुआ है। देख सकते हैं सामने, अभी आप हम तो कुछ डिस्टेंस पर आ गया है। समृद्धि एक्सप्रेसवे चालू नहीं है क्योंकि आसपास के लोग ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था इसलिए यूज करना चालू कर दिए थे, और जो रास्ता एक्सप्रेसवे पूरी तरह से खाली होने के कारण यहाँ पर बाइक वगैरह रेसिंग होती थी, जो ट्रैफिक पुलिस की वजह से यहाँ पर 1-2 एक्सीडेंट भी हुए थे, उसके वजह से ये एक्सप्रेसवे को अभी फिलहाल के लिए तो बंद कर दिया है, लेकिन वो इसका वर्क पूरी तरह से कंप्लीट है। देख सकते हैं आप, इसको क्लोज किया गया है यहाँ से। मेन एक्सप्रेसवे क्लोज नहीं है, लेकिन जो रैंप रोड है इंटरचेंज के उसको क्लोज किया गया है क्योंकि कोई भी यहाँ पर एक्सप्रेसवे के ऊपर इंटरचेंज से आ ना सके और एक्सप्रेसवे से ऊपर से कोई नीचे इंटरचेंज की ओर जा ना सके, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को यहाँ से बंद कर लिया गया। चलो उम्मीद करते हैं कि एक्सप्रेसवे को जल्दी चालू किया जाए ताकि पब्लिक भी इस अच्छे खासे डेवलपमेंट का आनंद उठा सके। मेरे को कमेंट में पूछा गया था कि एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने के लिए स्मूथ है क्या। एक्सप्रेसवे काफ़ी स्मूथ है, आप जब इसके ऊपर ड्राइव करोगे तो तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेसवे के ऊपर बाइक को अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि एक्सप्रेसवे इसके ऊपर ओनली 4-व्हीलर्स गुड्स व्हीकल ही चल पाएंगे, तो उसकी वजह से उसके हिसाब से तो एक्सप्रेसवे काफ़ी स्मूथ है। मैंने एक बार 4-व्हीलर भी ट्राई की थी इसके ऊपर, तो काफ़ी स्मूथ है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं।
क्योंकि नहीं करना चाहिए। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पर ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन अभी समृद्धि एक्सप्रेस का पैकेज नंबर 2 पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से इंस्टॉलेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। रोड के साइड में MBC भी तो बहुत पहले ही लगा चुके थे, लेकिन अभी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लगा चुकी है, मैंने पिछली बार नहीं देखा था। यहाँ पर रैंप रोड के दोनों ओर और एक्सप्रेसवे के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट का भी काम कंप्लीट किया गया है। चलिए एक्सप्रेसवे के मेन पार्ट में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर मेन इंटरचेंज है, ये इंटरचेंज पूरी तरह से बनकर तैयार है और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग पूरी तो वर्क तो पूरा कंप्लीट है। ये इंटरचेंज जो है ये 4th नंबर का इंटरचेंज है। आप देख सकते हैं वहाँ पर टोल ब्रिज के साइड में मेन टोल ऑफिस की बिल्डिंग का वर्क, मेन टोल ऑफिस बिल्डिंग का वर्क किया गया है। उसके साइड में वहाँ पर टॉयलेट लेटरिन की वगैरह फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। और साइड में ये क्या बना हुआ है, ये भी और एक शेड टाइप बनाया गया है। साइड में फुटपाथ वगैरह साइनेज बोर्ड का भी इंस्टॉलेशन हो चुका है। यहाँ पर सामने की ओर साइनेज बोर्ड भी लगाया गया है। यहाँ से आगे आने वाली नियर बाय सिटी का डिस्टेंस मेंशन किया गया। मेरे हिसाब से वहाँ सामने पुलगांव के पास सभी एक इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज की बिल्डिंग पूरा और कंप्लीट होने के बाद इसी तरह दिखता है। ये देखो एक्सप्रेस वे पूरी तरह से बनकर तैयार है। रोड के साइड में लाइट के लिए इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का और पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। समृद्धि एक्सप्रेस का पैकेज नंबर 2 और इंटरचेंज नंबर 4 एट 57 नंबर चाइनीज। चलिए आगे थोड़ा सा आकर देखते हैं कि कितनी काम तो नहीं बोल सकते, काम तो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट है इस समृद्धि एक्सप्रेसवे के। अभी हम समृद्धि एक्सप्रेसवे का जो पैकेज नंबर 2 में का जो इंटरचेंज है 4 नंबर का, जो उसका मेन ब्रिज है, तो उस मेन ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं वहाँ में सामने की ओर वर्धा सिटी है। वर्धा सिटी के लिए इंटरचेंज यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको इस इंटरचेंज की डिज़ाइन देखनी है तो मैं डिज़ाइन की भी एक इमेज यहाँ पर ऐड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर आप जो देख रहे हैं सामने नीचे एक एकदम राउंड सर्कल वगैरह बनाया गया है। ये जो रास्ता है सामने वर्धा सिटी को और हमारे पीछे आरवी को वर्धा सिटी से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये इंटरचेंज यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इधर देख सकते हैं आप ये टोल ब्रिज और ये समृद्धि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से यहाँ पर बनकर तैयार है। और इधर से व्हीकल इसी नीचे वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले रैंप रोड से, जो रैंप रोड आ रही है सामने से, उसी से एग्जिट करेंगे और इसी राउंड सर्कल से होते हुए आगे की ओर जाना है। तो समृद्धि एक्सप्रेस को कनेक्ट करने के लिए वो रैंप रोड प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह का ब्रिज के नीचे एक राउंड सर्कल है और 4 टोटल, 2 एंट्री करने के लिए रैंप रोड और 2 एग्जिट करने के लिए। अभी हमने पहले जो टोल ब्रिज देखा था वहाँ पर जो टोल बिल्डिंग बनी है वो टोल ऑफिस है एक्चुअली, और यहाँ पर भी साइड में एक लेटरिन वगैरह फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। छोटी सी टोल ऑफिस बिल्डिंग भी है। चलिए यहाँ पर तो पूरा और कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करते हैं कि समृद्धि एक्सप्रेस वे जल्दी से जल्दी पब्लिक के लिए ओपन किया जा सके।
इस पैकेज में पूरी तरह से वर्क कंप्लीट हो चुका है। पैकेज नंबर 4 पर काफ़ी अच्छे से छोटा सा गार्डन भी बनाया गया है, उस पेड़ वगैरह लगाने का काम यहाँ पर सिर्फ इंटरचेंज के टोल प्लाजा के आसपास देख सकते हैं आप। यहाँ एक वर्कर इसको पानी देने का काम कर रहा है और ये जो सामने जो देख रहे हो टोल लैटरिन वगैरह फैसिलिटी है, तो उसके साइड में भी प्लांटेशन का वर्क किया गया है ताकि इसको अच्छा सा लुक आ सके। तो पूछे देख रही है आपके जो एपकॉन कंपनी है, एपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी के व्हीकल यहाँ पर खड़े हैं। और समृद्धि एक्सप्रेस से एग्जिट करने के लिए स्टैम्प रोड को बनाया गया है। इसलिए बोल रहा था कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको एकदम राउंड सर्कल में बनाया गया, उसके ऊपर इंटरचेंज बनाया गया है। काफी अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। हेलो एवरीवन, अभी हम समृद्धि एक्सप्रेस के 4th नंबर इंटरचेंज से आ गया है। तो आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि समृद्धि एक्सप्रेस वे पर व्हीकल की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामने जो एक साइनेज बोर्ड लगा है वहाँ पर जो पैसेंजर व्हीकल है यानी लाइट व्हीकल यानी कार, आप समझ सकते हैं कार के लिए वहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को मेंशन किया गया है। और जो गुड्स व्हीकल है गुड्स व्हीकल के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को स्पीड का यहाँ पर साइनेज बोर्ड लगाया गया है। तो देख सकते हैं आप कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर कार वगैरह व्हीकल यहाँ पर ट्रैवल कर सकेंगे। ये पहला बोर्ड देखा मैंने कि यहाँ पर 120 पूरे सेक्शन में, और भी जगह पर लगाया गया होगा। और साइड में देख सकते हैं आपकी जो गेल इंडिया की जो गैस पाइपलाइन है उसको बिछाने का काम भी यहाँ पर चल रहा है। इंटरचेंज के दूसरी ओर तक काम हो चुका है और इंटरचेंज से आगे की ओर लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक इस लाइन को बिछाने का काम भी कम्प्लीट चल रहा है। अभी जो पैकेज 1 और पैकेज 2 के बीच में जो 10 किलोमीटर का जो पोर्शन है, पैकेज 1 में भी इसका काम किया जा रहा है, पैकेज 2 में भी किया जा रहा है एट ए टाइम। शायद से नेक्स्ट वीक तक 10-15 दिन में पैकेज 1 और पैकेज 2 में जो एक पाइप को दूसरे पाइप से कनेक्ट करने का काम है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। काफी स्पीड से काम हो रहा है, बहुत सारी टीमें गेल इंडिया की यहाँ पर काम कर रही है।